बोलो कुछ। और गाइस क्या बताऊं यार, मेरी बहू की बहुत तबीयत खराब हो गई आजकल के, क्योंकि एक तो इसने सुबह सुबह इसने सिर धो लिया, उसकी वजह से मुझे लग रहा है इन्होंने मेरे को बाल सुखाने नहीं दिए ड्रायर से। बाल सुखाने की लाइट भग गई, अब उसमें मैं क्या कर दूं। मैं विक्स खा रही हूं, मुझे सांस भी नहीं आ रही। अम्मा निकलन गए, वहां से आने के बाद मेरे को सांस ही नहीं आ रही। फिर मम्मी ने डॉक्टर से दवाई लिखवा के थी, तब ये लेके आए। अब थोड़े ठीक हूँ मैं, वरना तब से मैं पड़ी ही थी। अब दवाई लेके आया, फिर इसे कुछ खुआया है, जब थोड़े से काम। हम जा रहे हैं घर, तो वापस और इसलिए जल्दी जा रहे हैं। कल की ना बर्फ बता रखी है 100%, मगर हमें जाना पड़ रहा है। रोज ही बता रहे हैं बर्फ गाइस। और पैकिंग कर रही हूँ मैं, पम्मी करवा रहे हैं मेरे साथ, क्योंकि मेरे से तो हो नहीं रही। और चलो चलते हैं घर को, अभी आपको निकल के दिखाएंगे गाइस। ठीक है गाइस, और थोड़ा ये रहा सामान, ये फेंकने वाला, ये ख़राब है। बस यहाँ पे ये जिम वाला बैग हमारा है, वो जैकेट मैं पहनूंगी, और बाकी ये चार थैले बने हैं। और बहुत तबीयत खराब हो रही है गाइस, आवाज़ भी नहीं निकल रही थी, पता नहीं क्या हो गया, एकदम सांस आना बंद हो गई थी। देखो बाहर कितनी ठंड हो गई। अब डब्बा नहीं लाए थे इसमें। पम्मी चेक कर लिया एक बार? हाँ कर लिया। कुछ सामान तो नहीं रह गया ना? भाई मना ली। तो गाइस हम रात को 12 बजे निकल रहे हैं, और हम यहाँ रुके थे जस्ट माल रोड पे। गाड़ी है खड़ी। नितेश जी जू हाय बोलो। देखो गाइस हेलो बोलते हैं। निकल चुके हैं, बस निकल चुके हैं, निकल रहे हैं। पैकिंग गाड़ी भर गई हमारी पूरी। पूरा 150 रुपए वसूल करे, पूरा मनाली में पहन के डोल लिया। निशी की तबीयत इतनी खराब होगी, हमें अपनी बर्फ छोड़ के जाना पड़ा निशी के मारे, क्योंकि भाई पहले भाऊ को तैयार थे गाइस, नितेश जी जू भी और मिट्टू भी जाने को तैयार थे। निशी जू मत, ओए नितेश के बात ही बताइयो ना, मैंने कही नहीं ना आगे तबीयत ज्यादा खराब। नीचे बंदे से पूछ के आए उनसे, होटल वाले से, उसने कहा नहीं मिलेगा कोरा, तो अंदर आके दोनों कह रहे हैं सलाह करके कोरा तो मिलेगा यार। मैं यार मैं बहुत सुन रही हूँ यहाँ बैठे। मैंने कहा यार पहले बहू है, साली बर्फ तो साले फिर आ जाएंगे। सच के बता दे मिट्टू, बता दे यार, इतने खराब हो तुम। तो चलो गाइस चलते हैं। बोल शंकर भगवान की जय, बोल खोली वाले की जय। और गाइस इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो रही है कि मेरे को अपने घर जाना है। अब देखना इस गाड़ी पे ना, यहाँ पे बर्फ पड़ी हुई थी, ये देखो दिख रही है, मिट्टू ने उड़ा के अपनी गाड़ी पे रख ली। दिल्ली नंबर ये गाइस हमारी गाड़ी पे पड़ी है, ऐसे कैसे घर लेके जाएंगे इसको। ओके ऐसी है ना यार, ये कितनी मोटी, मिट्टू इतनी मत पकड़, बीमार हो जाएगी। चल यार यार हमारी गाड़ी पे महंगी वाली कहीं सस्ती वाली ले भाई, अपनी बर्फ उल्टी ले ले जा, कितनी सिल्ली है पूरी, है ना। और गाइस हम लोग ना जा रहे थे, इसे जैकेट लेनी थी, तो नितेश और पम्मी ने तो मना कर दिया, पर मैंने कहा यार दिला दो बेचारी को, तो अब दुकान तो बंद हो गई है। हमारी दुकान बंद हो गई जहाँ पे हमने देखी थी, तो मैं मिट्टू को कह रही चला जाते जाते थोड़ा माल रोड घूम के ही चल ले। पम्मी यार ठंड सी लग रही है, जैकेट पहन लेना। अरे भूल गई मैं पहनना। मेरे यहाँ से कॉफी, रुक जा तो यहाँ से रुक जा, कॉफी लेंगे चीजू, रुक जा मैं और ये, और मैं लाई हूँ ये वाला स्वीट। कितनी बार वो ठंडी हो रही है, और ये सुन लो गाइस नीचे क्रिसमस वाला केक नहीं होता, ये लेके आए हम 70 रुपए का, कॉफी के साथ खाएंगे गाइस। यार तो चुप कर, सुन लो गाइस, आप बोलो क्या है। अरे ये स्वीट ठंडी हो रही है, इसे देखो, अब हम कॉफी पिएंगे गाइस। आप देख सकते हो सुबह के कितने बज रहे हैं जी, 6 बजने वाले हैं। और गाइस जीजू ने 2 बार गाड़ी घुमाई है, फिर आई है, फिर घुमाई है, फिर आई है। जीजू बताओ क्यों? बर्फ के लिए एक बार तो वापस हो गए टोल के पीछे से 50 किलोमीटर आके, और अब क्यों आप यहाँ पे रुके हो? नीचे हो रहा है, नीचे हो रहा है भाई जी। ये दोनों पूरे रास्ते उठे हुए थे और हम पूरे रास्ते सो रहे थे, इसलिए हमें पता भी नहीं है कि क्या हुआ। और इसे देखो कैसे सो रहे जी, जी एक बार इधर देखना, कितने सुंदर आ रहे हो। पहुँचने वाले हैं प्रेरणा की तो चल तबियत खराब है, बंदा फायदा उठा रखे साथ साथ नींद पूरी कर, नींद पूरी कर रखी है। यहाँ पे रुके ऐसा गाइस खाने पीने, कहाँ चप्पल दे दी यार, पम्मी जी चुके यहाँ थी, ये वो का ब्रेकफास्ट आ गया, पम्मी कुछ भी नहीं खा रहे, पीली वाली दाल खा रहे, उनके पास यही होगी ना। हाँ वही पूछ लो, बुला के बुलाना, मेरी क्या गलती है, बनाई थोड़ी होगी, कोई एक तड़का डाल इन्होंने।
बुलाओ ना भाई। कल की हालत आप लोग देख सकते हो कैसी हो रही है। और देखो हम वॉशरूम आए थे, कितना खुला है वहाँ पे देखो, मतलब होटल के पीछे ना बहुत खुली जगह है। हालत तो मेरी बहुत ख़राब हो रही है, मैं तो जान ही निकल गई थी गाइस। अब चलो हम देखो कितना खुला है यहाँ पे, कितनी सारी गाड़ियाँ खड़ी है देखो। हम घर आ गए, हालत देखना हमारी कैसी हो रही है, चढ़ा भी नहीं जा रहा, ओई पैर टूट रहे हैं। सामान देखो पम्मी के हाथ में, सारा मेरे पति के हाथ में ही भर दिया। और ये देखो गाइस अंशु की स्कूटी यहाँ खड़ी, उसमें है कुछ नहीं, कपड़े ही हैं, जूते वूते सब इसमें है गाइस, बुलेट नहीं है। देखो अंशु लेके गया हुआ स्कूटी खड़ी करके। आहा मनाली ज्यादा ठंड तो यहाँ है, बहुत अच्छा है, मेरी तबीयत ठीक हो गई। तो गाइस शाम के कितने बजे, 7 बजे हम आए नहीं है, और तब से हम 7 घंटे पड़े हुए हैं। और चेक करो मुझे फिर से बुखार हो गया, कहीं नकली दवाई मिली थी ना मनाली में, तो हम असली दवाई लेके आएंगे कल जाके डॉक्टर के पास। मैं सोचो मिट्टू तू मुझे घर छोड़ती हुई चल रही हो, दोनों आप भी चल लेना अभी। हाँ जब तू जाएगी तभी। अरे वाह हीरो आ गया सोसाइटी। मम्मी चाय बना बना खिला रहे हैं, तबीयत खराब है तो इतनी सेवा करके दिखा रहे हैं। और मैं सो रही थी पता, पीछे से बर्तन भी धो दिए, इतने अच्छे बनते हैं आज आ गए। क्या अवार्ड लेके मानोगे आज है? अवार्ड लेके मानोगे आज थी? सारे काम करो ना, बीमार है तुम्हारा काम। अच्छा दो जल्दी मनाली की बारात को मेरा काम वहां तक पहुंचा रखा मेरे गाइस। अंशु घर से खाना लेके आया क्योंकि मेरी तबीयत खराब है, मैं बनाऊंगी नहीं ना, इसलिए मम्मी ने भिजवाया। बर्फ दिखा, बर्फ फ्रिज खोल, मनाली की बर्फ पड़ी है देख ले फ्रिज में, हमें तो मिली नहीं, तुझे दिखाएंगे हम। रो के आए भाई, 104 बुखार हो गया था मुझे आके ताप। आगे से तुझे मैं नहीं लेके जाऊंगी, सिर्फ नितेश जीजू को लेके जाऊंगी। जीजू जीजू आप ही मेरे दोस्त हो ना, जीजू को लेके जाऊंगी। बेकार बेकार अंशु मैं तुझे छोड़ के गई थी तब भी तू इन कपड़ों में था, आई हूँ तब भी तू इनमें ही मिला मुझे। अच्छा मिठू आज के बाद तुझे कहीं ना लेके जाऊंगी मैं बीमार हो गई और तू मेरे ऊपर हंस रही है, तेरे से अच्छे तो जीजू निकले। ओए हाय वाड़ी डोले, एक बार डोले। ओ बेटे पम्मी गलती से लगा के दी तो तुझे भी पीछे छोड़ेगा थोड़े दिन में। तो यार आज नितेश को बड़ा प्यार आ रहा मिट्टू पे। अच्छा ठीक है, अच्छा मैं कुछ क्या दूं तो बन रहा है। हाँ जीजू पर आपको इतना प्यार क्यों आ रहा है आज इस पे? ओहो आज तो बिल्कुल हाथ से खाओगे, इतना आ रहा देखा के। गाइस तो मम्मी ने भेजी है राजमा चावल, मिक्स वेज रोटी दाल और राजमा, ये लेना चावल राजमा और बहुत सारी चीजें हैं। नहीं मम्मी ने कहा था मैं तेरे लिए और जो चम्मच दिया, मम्मी को पता ना कि पूरा दहूस है। दहूस की बात नहीं है, देखो कितनी जल्दी बोला है। अरे चम्मच ले आइए यार। गाइस पता है इतने दिन बाद घर का खाना खा के मिठू कैसे लग रहा है? अब चैन पड़ा जीजू आपको, आपको तो वैसे ही गाइस सबसे ज्यादा डिमांडिंग हमारे ग्रुप में ये बंदा है, इसमें मजा नहीं आ रहा, इसमें मजा नहीं आ रहा। और मम्मी आपको कैसा लग रहा है? अभी खाई कौन है? अरे बढ़िया, अरे मतलब घर का खाना खा के मतलब तो घर का अच्छा ही लगे। हाँ यार हमारे मतलब सारे ही ऐसे हैं, घर का अच्छा खाना तो कुछ अच्छा है। गाइस मुझे तो वैसे बाहर का अच्छा लगता है पर जब बहुत दिन हो जाते हैं ना तब मेरा भी मन करता है कि घर का ही खाऊं। गाइस देख रहे हो मैं बीमार हूँ। हाँ गाइस मैं आपको बोल रही थी ना कि मेरा पति इतना अच्छा है, मेरी तबीयत खराब है तो बर्तन धोए। अब मिठू तू बता इसने करा क्या है? हमारे घर में इतनी महंगी काम वाली है, 3,000 रुपए में बर्तन धोती है। गाइस मेरे से इतना लाड लड़ा रहे, चाय बना रहे, बर्तन धो रहे, मैंने कहा इसे क्या हो गया इतना प्यार आ रहा। बाद में मेरे को आके कह रहे मैंने तेरे फोन पे में से 3,000 रुपए लिए किश्त के लिए। मैंने कहा अच्छा तब तेने बर्तन धोया 3,000 रुपए लेके, इतनी महंगी काम वाली 3,000 रुपए में एक बार बर्तन धोए। एक बार तेरी तबीयत खराब हो रही है, मैं तेरी हेल्प कर रहा हूं। 3,000 रुपए क्यों लिए? हेल्प नहीं कर रहे, हेल्प कर रहे। गाइस देख रहे हो
गाइस अगर ये 3,000 लेंगे ना तो मुझे 1,500 उल्टे करेंगे, चार लेंगे तो ठीक है, तब 3 में तो 1,500 ही दूंगा। अपनी बात पर रहो ना, अपनी बात पर ही लूंगी, अपनी बात पर है लूंगी, 3 जब मात दे दूं देते ही हो हां तो फिर तो 1,500 दूंगा। गाइस देख रहे हो इतना चंट है ना, बहुत ज्यादा बता नहीं सकती मैं इसकी, बस भाई अंशु भाई शॉल दे दे आगे से बोरी। हां गाइस ये रुक नहीं रही, अपने घर जा रही है क्योंकि ना इसके फिर बैक टू बैक शूट्स चल रहे हैं, तो इसका काम है तो ये इसलिए जा रही थी। तो मैंने इसको बोला, मैंने पम्मी को बोला बाबू मुझे भी घर जान दो, क्योंकि घर पे जाके ना थोड़ा रेस्ट करूंगी, कुछ काम वाम नहीं करूंगी तो थोड़ा ठीक फील करूंगी। हाँ। इसका मतलब हो तो इन सबका भी ऐसी शरीर ऐसा ना हो रहा कि शरीर में जान ही नहीं है, रेस्ट नहीं हो रहा गाड़ी में बड़े बड़े। और गाइस दूसरी बात पता क्या है, सो नहीं पाए ना गाइस, दूसरी बात पता क्या है, हमें ना घूमने फिरने की इतनी आदत नहीं है, इतना पैदल चलने की हमें हैबिट का, पैदल चलने की बिल्कुल। अब तो जिम मिट्टी और मैं जिम करेंगे ताकि हमारी भी ना शरीर थोड़ा स्ट्रांग हो जाए। साल तो इसे बोलते हुए हो गया कि मैं जिम जाऊं, यार मैं क्या करूं, मेरे अकेले कोई मिल ही नहीं जाने वाला, मैं इतनी दूर से आ नहीं सकती तेरे साथ। वही तो, इतनी आएगी इसकी जिम ऐसी रास्ते में हो जाए करेगी, रोज आएगी जाएगी। तो गाइस मैंने पम्मी को बोला बाबू घर चल लो, ज्यादा पैसे खर्चा आने जाने का होगा। फिर पम्मी कह रहे मैं नहीं जाऊंगा तेरे पीछे, फ्लैट पे रुकूंगा अकेले, मैं कहा भूखे मरोगे, तो उन्हें मैंने उनके घर भेज दिया, मैं अपने घर जा रही हूँ। अब इसे भी नूना से मिलना है क्योंकि नूना की अब इससे दोस्ती हो गई है ना, नहीं तो जीजू से नहीं हुई इससे। ये क्या गर्म करती करिए, ये क्या, ये बोलो गाइस को क्या चाहिए, फ्लैंग किस दे दो गाइस को, फ्लैंग किस करना बेबी, मम्मी आप करना जो देख के करेंगे। नोना नोना अच्छा बताओ वो छोटा बच्चा अपनी मम्मी को कैसे बुलाता है, माँ बुलाइयो, गाय कैसे करती है, गाय कैसे करती है, हज्जा नोना मैक्स कैसे करता है, केजियो केजियो आप अभी नहीं करेगी कुछ भी, कैमरा अभी मम्मी तो ले तेरे से। हाँ नोना से एक्टिंग करवा रही है, वाह उंगली निकल गई, नोना क्या कर लेगी, नोना क्या कर लेगी नीचे उंगली देख लो सीधी नहीं हो रही, क्या कर लेगी नोना ये बता दो मुझे, मेरे से मत लड़ी हो तू, जो मेरे से बोल गई फालतू मेरी लड़की, बिल्कुल एकदम सही बात, क्या नोना क्या कर लेगी, नोना मुझे बता दे गाइस, मम्मी ने बोला मिट्टू तू मुझसे लड़ी है फिर तुझे बताएगी, ऐसे ही कर देगी नोना, ऐसे इसके नोना इसके यहां जिम में पाल ले तू, हां ये ऐसे कर रही है तेरी मम्मी से लड़ रही है, मार इसके रट्टे, मां मम्मी से लड़ती है, हां कैसे कर दे, सामने दिखने के लिए रात होती है, मेरे को फिर बुखार चढ़ जाता है, दिन में उतर जाता है रात को फिर जड़ जाता है, मम्मी बहुत गर्म है, कोई बात नहीं, मम्मी मेरी कमर की मालिश कर रही है क्योंकि मुझे ना सांस नहीं आ रहा, मम्मी बहुत गर्म है, गर्म नहीं करना है, ना छाती में ठंड जम गई है, पता नहीं क्या हो गया, और कमर में इतना दर्द होता है जैसे किसी ने झगड़ ली हो, ऑपरेशन वो साल नहीं हुआ है, पता नहीं है तुम्हें भी कच्चा शरीर होता है, इसीलिए मैं घर आ गई कि घर आके की मम्मी से मालिश वालिश करा लूंगी, मैं तो पता है वहाँ पे क्या बोल रही थी मिट्टू को, मैंने कहा बहन घर जाके 2 दिन के लिए मालिश वाली लगवाऊंगी मैं, तो मेरा शरीर इतना खराब हो गया, वो कह रही बहन के बिना गई है इसलिए उसको बहुत दर्द हो रहा है ज्यादा, अब इसीलिए मालिश करवा रही हूँ। तो ये देखो गाइस दवाई की प्लेट रखी यहाँ पे, इतनी सारी दवाई खाई अभी मैंने, मम्मी मैं नहीं पी रही एकदम सही हो जाएगी गाइस, अब मम्मी ने मालिश करी, अब मैं मम्मी की तारीफ ही करने वाली थी, अब मम्मी तने में पीने की दवाई ले आई, सब बुराई कर दूंगी, ये देखो गाइस ये कैसे सोती है पिल्ली, मत उठाओ उसको, उठाने नहीं दिखा रही हूँ पिल्लू, मम्मी मैं नहीं पी सकती दवाई प्लीज, गाइस मैं तो बीमारी में ऐसे लग रही हूँ जैसे पता नहीं कितने दिन से नहीं आई, शक्ल ही खराब हो जाती है मेरी तो, आई हाय मम्मी इसका तो स्वाद ही इतना गंदा लग रहा है, अभी तो पी भी नहीं है, बहुत अच्छी लगती है ये। गुड मॉर्निंग, हम लोग उठ गए और ये देखो अंशु ना खाना खा रहा है, और नोना को देखो प्लेट की नजरें देखो, एक मिनट रुक अंशु रुक, प्लेट कोने में रख, देखो गाइस प्लेट वहाँ है, नोना भी वहाँ है, अंशु इसके आगे रखियो, मुझे ना लगी हाथ पे हाथ पाप रही है बेबी, दुआ आ रहा है कहीं जी, हमारा बंदूक नाचना ऐसी हरकतें करता है गंदू, सुबह 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 गई यार, बीमार होने के बाद यार मुंह कैसा हो जाता है यार,
कोमल के पास जाने के लिए कैसे करते छाले भी हो रहे हैं, बोला भी नहीं जा रहा। तब से चुगलिया कर रही होगी रात में, तो इन तीनों लेडीज हो तुम। इतना बदतमीज है ना आज गाइस, इसका मैल इतना चढ़ रहा है ना इसके शरीर पे, 2 किलो मैल तो गर्दन गर्दन पे है। आज इसे मैं नहीं लाऊंगी रगड़ रगड़ के। और अभी डॉक्टर के जा रहे हैं चाय पी के, बस हम लोग जा रहे हैं अभी डॉक्टर के यहाँ, मैं और मम्मी और बिना आंटी भी है। बिना लिपस्टिक के यार व्लॉग में आती नहीं है, पता नहीं क्या है इन्हें, मतलब फेमस होता है ज्यादा इसको ले लिया तो। मतलब व्लॉग में लिखा हुआ है क्या लिपस्टिक लगा के व्लॉग में आना है? गाइस मेरी हालत देखो, आके ही नहाऊंगी, बहुत बुरी हो रही है, सांस नहीं आ रही। वो गई भी आंटी अपने घर उधर से, तो डॉक्टर अंकल के एक दो दिन में दोबारा दिखा देंगे। और मेरे को मम्मी मैं मरने वाली हूँ ना नहीं थोड़ी सी तबीयत खराब है बस, पता नहीं क्या बोला है, मैं कंजेस्टेड, पता ना क्या हो रहा है मेरी छाती में इसलिए सांस नहीं आ रही। अब पता नहीं क्या है, वो दवाई मिलेगी तब पता। मैं अभी यहीं पे करती हूँ व्लॉग का एंड। मेरे को देखने देखो नानू नानी भी आया है, नन्नू भी आया, हो रहा अंडा मांग रहा है वहाँ पे। नहीं 250 रुपए का लिया था मनाली से। तो गाइस टाटा बाय बाय, लव यू। अब मैं नहाने जा रही हूँ, नहा के ना अच्छी सी बन के मिलूंगी आप लोग।